Qatar Prime Minister Vice Chancellor, Secretary General Bilal Awan, Rana Shafiq Sir, our friends from National Society, media men, guests, ladies and gentlemen, assalamu alaikum. In fact, the last speaker has very few words to say, and all details have been provided by Secretary General and Rana Sir. So my duty is just to thank all guests too, who have joined us here today. This is one of the initiatives of PRC which we have taken to establish laboratory to provide test tests on affordable prices to non-affording people. That is our goal. And I hope our partners, our friends will keep this formula. And as Vice Chancellor has also raised a very important question for thalassemia. So he said we have to announce. I said I hope I will be able to convey this message to the Honorable Prime Minister, President and the Parliament. If it is in my control or power, I will surely say yes right now. But I will be your advocate and take your case to the concerned party. Rest assured, I am your advocate in this regard. मैं तमाम दोस्तों से ये कहना चाह रहा था कि अभी जो बात हुई सेफ ब्लड की बात हुई थी, पाकिस्तान रेड क्रेसेंट की एक अहम कॉम्पोनेंट हमारा ब्लड सेंटर है, ब्लड डोनेट सेंटर है। पूरे पाकिस्तान में हम तकरीबन 10 से 20 हज़ार बॉटल्स ऑफ ब्लड स्टोर कर सकते हैं और एमरजेंसी में हम फर्स्ट स्पॉटर भी होते हैं। एपीसी पेशावर में हमने तकरीबन 2.5 घंटे में 250 बोतलें सीएमएच पेशावर और दीगर अस्पतालों में पहुँचाई और फिर एवरी डे हमारा जो कैंप था वो 40 और 50 बॉटल्स वहाँ पर प्रोवाइड करा। तो वी आर वेल अवेयर कि हमारी स्पेशलिटी ब्लड डोनेशन कलेक्शन सेफ ब्लड और उसकी डिस्ट्रीब्यूशन है। तो वी आर प्राउड ऑफ एंड आई ऑल्सो कंग्रेचुलेट माई टीम फॉर दिस ग्रेट टास्क। जैसे भी आया मर्शल साहब ने कि यहाँ जो लोग काम करते हैं दो तरह के लोग हैं, गवर्नेंस और मैनेजमेंट। गवर्नेंस ऑनरेडी काम करती है, मैनेजमेंट आर पेड। लेकिन उसके बावजूद भी जो उनके काम की नौइयत है वो एक सर्विस है, ह्यूमेनिटेरियन काम है। तो तनख्वाह के अलावा, एप्रिसिएशन के अलावा, मुसलमानों एक मुसलमान के तौर पे जो हमारा आखिरत का कॉन्सेप्ट है, ये उनके लिए आखिरत की राह बड़ी हमवार होती है। तो हमारी जितनी टीम है ये सब कुछ हम मिलकर करते हैं और हर वो शख्स जो यहाँ बैठा हुआ है, यहाँ पे शरीक है, वो हमारी टीम का हिस्सा है और मैं उन्हें मुबारकबाद पेश करता हूँ कि वो मिलकर ये काम करते हैं और डिलीवर करते हैं।